हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सब ठीक हो। गाइस, जस्ट बी सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत काढ़ा बनाओ, काढ़ा पियो, बाहर ज़्यादा मत निकलो। अगर ज़रूरत पड़े तभी निकलो, वरना घर में रहो। ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा जो अच्छा नहीं दिखना चाहता, सुंदर नहीं दिखना चाहता है। तो मैं आज इस वीडियो में हम लोग कर्ल करेंगे। अगर जिनके पास कर्लर नहीं है, हमेशा एक ही लुक, स्ट्रेट करने से आपका फेस पूरा चेंज हो जाता है, कर्ल करने से आपका पूरे फेस पूरा चेंज हो जाता है। सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रेटनर से कर्ल हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ ले चुकी हूँ फिलिप्स का स्ट्रेटनर, स्मॉल सेक्शन वाला। इसमें टेम्परेचर हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए तब तक बात करते हैं जब तक ये स्ट्रेटनर गर्म ना हो जाए। ये वीडियो दोनों मेंस एंड वुमेन्स बोथ दोनों के लिए है, क्योंकि आजकल लड़के भी कहीं कम नहीं है मेकअप में। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट लड़के होते हैं, आजकल बड़े बड़े सैलून में भी लड़के लोग ही काम कर रहे हैं, हेयर कट से लेकर सब कुछ करते हैं। तो हाँ, तो ये वीडियो बॉयज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो जब तक हेयर स्ट्रेटनर गर्म होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, सीरम लगा लेंगे। तो सीरम हम लोग लगा रहे हैं मैट्रिक्स का, जो मैंने ऑनलाइन लिया है, फ्लिपकार्ट से लिया है मैंने। तो मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आधा ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है। मैं ज़्यादा सीरम ये यूज़ नहीं करती, बट जब भी मैं स्ट्रेट कर्ल या क्रिम्प करती हूँ तब मैं सीरम अप्लाई करती हूँ। गाइस, मैंने सीरम अप्लाई कर लिया। अब मैं थोड़ा सा कोम कर लूँगी अपने बालों को। तो मैंने यहाँ लिया है सेक्शन कोम, ठीक है, सेक्शन कोम ले लिया है। मैं जब भी स्ट्रेट कर्ल कुछ भी करती हूँ तो सेक्शन करके करती हूँ। तो सेक्शन कोम से मैं पहले सेक्शन कर लूँगी। सेक्शन आधा किया हुआ है, बट इसको प्रॉपर सेक्शन कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको कोम करूँगी। गाइस, जिनके पास सीरम नहीं है वो एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास सीरम था तो इसलिए मैंने सीरम अप्लाई किया। अगर आप लोग के पास सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, गर्म हो चुका है स्ट्रेटनर, तो अब मैं इसको पार्टीशन करूँगी कर्ल करने के लिए। तो मैं पहला पार्टीशन कर ले रही हूँ। पहले मैं इतना बाल लूँगी स्ट्रेटनर से, ये बाल को कर्ल करूँगी। चलो गाइस, होप फॉर द बेस्ट, मुझे डर लग रहा है। तो स्ट्रेटनर गर्म हो चुका है गाइस, तो बी केयरफुल, ठीक है। अगर आप लोग जब करोगे तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहो। तो मैं इसको ऐसे करके दी एंड देन इसको ऐसे घुमाकर ओके गाइस, कर्ल हो रहा है। कर्ल करके आपको दिखाऊंगी। साइड एक सेक्शन करूंगी इसका, इतना बड़ा बड़ा बाल नहीं ले रहा, इसका मैं दो सेक्शन करूंगी। ओके, इसको भी रख देते हैं, इसको थोड़ा कोम कर लेंगे एंड अगेन स्ट्रेटनर से थोड़ा स्ट्रेट करके। कल कर लेंगे। सो गाइस, आपको लग रहा होगा मेरे सर से धुआं निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है सीरम जो थोड़ा भीगा भीगा है, इसलिए जब मैं हीट दे रही हूँ तो थोड़ा स्टीम हो रहा है। मेरा बाल प्रोटेक्टेड ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मैंने सीरम अप्लाई किया है। और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है वाई यूजिंग दिस स्ट्रेटनर। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरा बाल कर्ल हो चुका है। बहुत प्रीटी लग रहा है मुझे, कर्ल बाल बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि मुझे कर्ल बाल नहीं मिला,
मुझे नेचुरली स्ट्रेट बाल ही मिला था, बट फिर भी मैंने स्ट्रेट करवाया था, तो उसके बाद बाल डैमेज होने की वजह से मैंने बाल कटवा दिया। तो अभी मैं जस्ट नॉर्मल कर्ल्स करती हूँ जब भी मेरा मन होता है स्ट्रेटनर से, नहीं तो कर्लर भी है मेरे पास, मैं कर्लर से भी कर लेती हूँ। अगर आपको ऐसा बाल कहीं आप बाहर जा रहे हो, अगर आपको बाल कर्ल किया तो उसके बाद आप लोग ज़रूर स्प्रे अप्लाई करिएगा। अगर गर्मी का टाइम है, ठंडी का टाइम होने से नहीं करने से भी चलेगा, बट गर्मी के टाइम में पसीना के वजह से आप जो कर्ल किए हो वो ख़राब हो सकता है, तो स्प्रे कीजिएगा। स्प्रे अप्लाई करने के बाद आपका जो बाल है वो सेट हो जाता है, नेक्स्ट शैम्पू तक आपका बाल ख़राब नहीं होगा। सो गाइज, आप मुझे बताओ कि मैं इस कर्ल लुक में कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट में बताइए। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, टेक लव, बाय बाय।